प्लेन टेबल सर्वे इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे एंड इट इज अ फील्ड सर्वे, कंप्लीट फील्ड सर्वे है एक तरह से ये, और ऑफिस वर्क में बहुत ही कम होता है। ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग वर्क दोनों फील्ड में सर्वे करते समय साथ साथ करते जाते हैं, ग्राफिकली ड्राइंग शीट के ऊपर शो करते रहते हैं। जो मेनली इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज आते हैं, सबसे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज आता है, ट्राइपॉड स्टैंड। उसके ऊपर क्या लगेंगे, प्लेन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसकी साइज होती है 75 सेंटीमीटर और विड्थ हो गई उसकी 60 सेंटीमीटर और थिकनेस हो गई इसकी 20 mm। अब इसको लेवल करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, स्प्रिट लेवल ट्यूब, ये लेवल ट्यूब भी यूज आ जाएगी जिसमें सेंटर में बबल होता है, उससे क्या कर लेंगे, प्लेन बोर्ड की लेवलिंग कर लेंगे। और फिर क्या यूज करेंगे अपन, यू फॉर्म, इस टाइप का यू फॉर्म इंस्ट्रूमेंट होता है ड्राइंग शीट के ऊपर, इसको इस टाइप में लगा लेते हैं। अब सेंटर पॉइंट है उसको ऊपर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यू फॉर्म यूज करेंगे, इससे ड्राइंग शीट लगी हुई होती है उसके ऊपर ये सेंटर पॉइंट अपना ड्रॉ हो जाएगा। अब यू फॉर्म का दूसरा नाम है जैसे प्लम्बिंग फॉर्म, ठीक है। अब ड्राइंग शीट के ऊपर डायरेक्शन शो करने के लिए कंपास यूज करेंगे। एक आपका यूज होता है एलिडेड, इस टाइप का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है एलिडेड, इसमें यहाँ से अपन आईपीस यहाँ पर है अपना और इधर ऑब्जेक्ट है, इसको साइड करने के लिए एलिडेड यूज करेंगे। ये लाइन अपने ऑब्जेक्ट की जो लाइन होगी वो ड्रॉ अपन कर लेंगे ड्राइंग शीट के ऊपर। अब प्लेन एलिडेड है, प्लेन एरिया में प्लेन एलिडेड यूज आएगा, और हिली एरिया वहाँ पर यहाँ पर टेलीस्कोप एलिडेड यूज आ जाएगा। एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो मैग्नेटिक एरिया होता है वहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे अपने यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मैग्नेटिक इफेक्ट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और स्मॉल स्केल मैप होता है उसमें भी प्लेन टेबल सर्वे यूज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्किलनेस सर्वेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉर्मल सर्वेयर इसको इजीली कर सकते हैं। और इसमें एरर के चांस कम होते हैं, यदि एरर आ भी जाता है तो उसको हाथों हाथ फील्ड में अपन दूर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या हो जाएंगे, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट इसमें नहीं आता है, और बारिश वाले सीजन होती है या फिर बारिश जहाँ पर ज़्यादा होती है, वेट क्लाइमेट जहाँ पर ज़्यादा होता है उसको अपन यूज नहीं कर सकते हैं। और ट्राइपॉड स्टैंड और बोर्ड की जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, उसको बार बार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट शिफ्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है, इसका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो गया। अब टेम्परेरी एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेवलिंग। ट्राइपॉड स्टैंड है, जैसा आपका ट्राइपॉड स्टैंड लगाया, ऊपर बोर्ड लगा लिया, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर प्लेन बोर्ड हो गया। अब इसके करेंगे लेवल, स्प्रिट लेवल से इसकी लेवलिंग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, सेंटरिंग, सेंटरिंग से करेंगे यू फॉर्म लगा के सेंटर पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। अब ओरिएंटेशन है जिसमें अपन ऑब्जर्वेशन वगैरह लेते हैं, वो ग्राफिकली इसके ऊपर ड्राइंग शीट लगाकर सब कुछ शो कर देंगे। ये आपका प्लेन टेबल सर्वे, जो क्या है आपका कंप्लीट फील्ड सर्वे है।